हेलो दोस्तों, आज हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट का फिटनेस के मामलों में क्या हाल है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको गरीबी से उठे हुए कुछ ऐसे तगड़े पुलिस वालों के बारे में बताएंगे जो बॉडी बिल्डरों को भी टक्कर दे सकते हैं, जिनकी बॉडी देखकर अच्छे अच्छे बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। और जिस क्षेत्र में ये अधिकारी तैनात है, वह अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसे बॉडी बिल्डर पुलिस वालों के बारे में बताएंगे जो इंडिया की शान है। नंबर 1, तेजेंद्र सिंह। देहरादून में जन्मे तेजेंद्र बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग के दीवाने थे। पब्लिक में बाबा बिस्ट के नाम से मशहूर तेजेंद्र 5 बार भर्तियों में फेल होने के बाद 2006 में आखिरकार पुलिस के नौकरी में सिलेक्शन हो गया और 2007 में उन्होंने पहली बार नेशनल गोल्ड मेडल जीता था। उत्तराखंड के तेजेंद्र सिंह वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम्स लंदन में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और फिटनेस के मामले में उनका बड़ा नाम है। और 2009 में तेजेंद्र ने मिस्टर हरक्यूलिस का खिताब भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर बहुत ही दमदार बॉडी बनाई है और उन्हें देखने वाले उनके फिटनेस के फैन हो जाते हैं। नंबर 2, किशोर दांगे। मिस्टर महाराष्ट्र आर्नोल्ड और मिस्टर मराठवाड़ा नामों से फेमस किशोर का जन्म जालना के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। किशोर दांगे आज करोड़ों युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। किशोर को पुलिस की नौकरी कई सारी मुश्किलों और कड़ी मेहनत के बदौलत मिली। किशोर ने इस मुकाम को हासिल करने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण बॉडी बिल्डिंग को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और पुलिस की नौकरी मिलने के बाद उन्होंने फिर से कसरत करना शुरू कर दिया और आज बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में कई सारे अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। अपने धासु बॉडी से किशोर ने मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर मराठवाड़ा और कई विदेशी प्रतियोगिता को जीता है। नंबर 3, मोतीलाल दायमा। मोतीलाल दायमा लोकल खली और आर्नोल्ड जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। इंदौर पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात मोतीलाल दायमा की उम्र 27 साल है और 2012 से पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। अब तक 4 बार मिस्टर इंदौर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अब इसका अगला टारगेट मिस्टर इंडिया बनने का है, जिसके लिए वो महीने में 30,000 रुपए अपनी डाइट पर खर्च कर देते हैं। आपको बता दें कि मोतीलाल का वेतन बहुत ही कम है, उन्हें मात्र 26,000 रुपए ही महीने का तनख्वाह मिलती है। नंबर 4, अमित छेत्री। अमित छेत्री भारत के गोरखा बॉडी बिल्डर में से एक है। उनका जन्म देहरादून के हरिद्वार में हुआ और अभी उत्तराखंड पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत है। 95 से 100 किलोग्राम के भार वर्ग में अमित छेत्री को सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर में से एक चुना गया। तमिलनाडु में हुए 2007 मिस्टर इंडिया फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक और 2012 में ओपन सीनियर मिस्टर इंडिया में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। बता दें कि 2013 में पुणे में अमित को चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब भी मिल चुका है। फेयरफैक्स वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2015 में स्वर्ण और 2016 में मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। अमित छेत्री भारत के सबसे मेहनती और प्रतिभाशाली बॉडी बिल्डर में से एक है। उन्होंने कड़ी मेहनत के बदौलत बहुत ही शानदार बॉडी बनाई है। अमित गोरखा बॉडी बिल्डर के नाम से लोगों के बीच फेमस है। नंबर 5, सचिन अतुलकर। आईपीएस सचिन अतुलकर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, लेकिन फिटनेस के मामले में कई युवाओं और कर्मचारी के आइकन है। सचिन मात्र 22 साल की उम्र में ही आईपीएस अधिकारी बन गए और वे 2007 बैच के पास आउट है। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले सचिन नेशनल लेवल पर क्रिकेट भी खेल चुके हैं। सचिन ने पुलिस सर्विस में अलग मुकाम हासिल किया है। उनके पिता फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड है और उनका भाई भी है जो मिलिट्री में है। आईपीएस सचिन अतुलकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फिटनेस से बॉडी एक्टिव बनी रहती है और माइंड रिलैक्स रहता है। वह आज भी रोजाना 1 घंटा जिम जरूर जाते हैं। सचिन जहाँ भी जाते हैं, लोग इन्हें देखकर इनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश करने लगते हैं। सचिन ने कड़ी मेहनत से बहुत ही तगड़ी बॉडी बनाई है। नंबर 6, रूबल धनखड़। दोस्तों, रूबल धनखड़ यूट्यूब पर फिटनेस ट्रेनर में एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है और फिटनेस के प्रति युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। 2009 में गलत तरीके से की गई सर्जरी में उनकी एक नर्व डैमेज होने से उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण वो 6 महीने तक खाना नहीं खा पाते थे, जिसके कारण रूबल सिर्फ लिक्विड डाइट पर जिंदा रहे। कई सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद तथा बहुत सारी कोशिशें करने के बाद धीरे धीरे उनके मसल्स मेमोरी ठीक होने लगी और कोई इनकम सोर्स न होने के कारण उन्होंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। फिलहाल दिल्ली में रूबल धनखड़ एक पुलिस कर्मी है। वह अपने शारीरिक लुक और अपने समर्पण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह अपनी पर्सनैलिटी के बदौलत किसी बॉलीवुड अभिनेता से कम नहीं है। 2016 में MTV रोडीज X4 रियलिटी शो में ऑडिशन देने के बाद रूबल लोगों के नजरों में आए। नंबर 7, नवीन कुमार। नवीन कुमार हरियाणा पुलिस में SSI के पद पर तैनात है। उनको बॉडी बिल्डिंग करने की प्रेरणा उनके ही एक दोस्त से मिली और फिर नवीन कुमार ने इतनी मेहनत की कि 2013 में मिस्टर हरियाणा का खिताब जीता
नवीन अपनी नौकरी के साथ साथ घंटों जिम में भी बिताया करते थे। नवीन ने बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और आपको सबसे अच्छी बॉडी किस पुलिस ऑफिसर की लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।